नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के भाजपा जिला कार्यालय पर कुशाभाऊ ठाकरे वर्ष के अंतर्गत भाजपा की बूथ विस्तारक योजना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से 20 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलने वाले बूथ विस्तारक योजना के तहत संगठन का विस्तारीकरण सदीकरण के कार्य में सहयोगी बनकर श्रद्धांजलि देंगे। इस विषय को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय धार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार एवं सशक्तिकरण के लिए श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, माननीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, समस्त पदाधिकारी सहित 20,000 कार्यकर्ता आगामी 20 जनवरी से 30 जनवरी तक मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर जाकर हर बूथ को डिजिटल व सक्षम बनाने के लिए कार्य करेंगे। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पूछेंगे पूरे प्रदेश में वो डाटा रहेगा, पूरे देश में वो डाटा रहेगा। मूल रूप से ये कि कुशाभाऊ ठाकरे का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल इसी कार्य के लिए लगाया कि संगठन का विस्तार कैसे हो। उनके पास दो जोड़ी कपड़े हुआ करते थे और केवल कई बार वर्ष 2000 जन्माष्टमी 2022 से वर्ष 2023 तक जन्माष्टमी माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती समारोह को संगठन पर्व हमने नाम दिया है, जिसका हम शुभारंभ कर रहे हैं और उसको हम नीचे तक लेकर जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो विधायक जी हों, सब अपने कार्यकाल में से, अपने जीवन में से, क्योंकि हम संगठन ही हमारे लिए हमारी माँ है, संगठन ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, संगठन ही वो माँ है जिसने हम सबको सींचा है। तो इसलिए हम सब ये मानते हैं कि संगठन को वापस अपने जीवन के 100 घंटे देना बहुत छोटा योगदान है। तो हम लोग सब आज 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 10 दिन तक अपने 10 घंटे रोज बूथ तक जाएंगे और अपना समय दान देंगे। इसको हमने संगठन पर्व का नाम दिया है और इस संगठन पर्व को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व के साथ मनाने के लिए, समय दान देने के लिए तैयार है। ये पर्व कल से आरंभ हो रहा है। इसको बूथ विस्तारक योजना का नाम दिया गया है, जहां पर प्रत्येक बूथ पर हम लोग सब जाएंगे। उसके दो चीज़ें तैयार होंगी, एक डिजिटल एंट्री होगी और एक रजिस्टर मेंटेन होगा। एक रजिस्टर भोपाल कार्यालय में समर्पित होगा, एक मंडल पर रहेगा। दूसरा, डिजिटल जो ऐप बना है संगठन ऐप, उसमें हर कार्यकर्ता की एंट्री होगी, डिजिटल एंट्री होगी और लाइव एंट्री होगी। इस बात को लेकर हम लोग सब बहुत आशान्वित हैं और ये बहुत मेहती योजना इसलिए है कि किसी भी पार्टी ने आज दिन तक विश्व भर में इस तरह का डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम कभी नहीं करा है। तो गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के लिए, जो एक हम 21वीं सदी की डिजिटल वर्जन की बात करते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और अगर यदि कोरोना ने इस समय इस तरह का कोई दस्तक दोबारा दी, तो क्या हम इस तरह की चुनाव की तैयारी के लिए फिर भी तैयार हैं? हम लोग फिर तैयार हैं, क्योंकि हमने हर कार्यकर्ता का एक डिजिटल एंट्री करके चुनाव के समय में भी हम सबकी एक उपस्थिति दर्ज हो, इस बात को लेके ये योजना बनाई गई है।